क्या आपने कभी सोचा है कि बूढ़े लोगों के बाल सफेद क्यों होते हैं? तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि एक पर्टिकुलर एज के बाद हमारे सर के और दाढ़ी के बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका मेन रीजन होता है पिगमेंट सेल्स, जो कि हमारे बालों की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये पिगमेंट सेल्स धीरे धीरे मरना शुरू हो जाती हैं, और जब इनकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है तो ये कैपेबल नहीं रहते हमारे बालों को कलर और सैचुरेशन प्रोवाइड करने में, और बालों का कलर ब्लैक के बजाय ग्रे, सिल्वर या व्हाइट हो जाता है। पर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के बाल कम एज में ही सफेद हो जाते हैं। तो बेसिकली इसका मेन रीजन होता है विटामिन B12 की कमी, जिससे बाल परमानेंटली ग्रे कलर के हो जाते हैं, और ये प्रोसेस इनरिवर्सिबल होता है, और इनको ब्लैक करने के लिए आपको कलर करना पड़ता है। क्या आपको ये बात पहले से पता थी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।